हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक इंडोक्राइन ग्लैंड पर है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड में जितनी भी आपकी ग्लैंड होती हैं, हम बात करें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, उसके बाद टेस्टिस, ओवरी, इन सब से निकलने वाले हार्मोन और इनके पैथोफिजियोलॉजिकल मीन्स कि इनके हाइपो हाइपर सिक्रेशन से कौन कौन से डिजीजेज होती हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे और हम लोग ग्लैंड के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि द वर्ड एक्सोक्राइन मीन्स, ठीक है, तो मोस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो जैसा हम लोगों ने अभी प्रीवियसली अपने न्यूट्रिशन के चैप्टर में देखा कि वहाँ पे आपकी बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड है हमारी, सबलिंगुअल ग्लैंड है हमारी, लोअर जॉ पर। तो ये सारी ग्लैंड अपने सिक्रीशन को एक डक्ट के जरिए, ठीक है, एक डक्ट के जरिए भेजती हैं। जैसे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो वो स्टेंसन डक्ट से आती है, ठीक है। तो मोस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी डिलीवर देयर सिक्रीशन बाई मीन्स ऑफ डक्ट कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के जरिए भेजती है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन पर, तो इस तरह की ग्लैंड आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। जबकि हम लोग बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इंडोक्राइन ग्लैंड विद इन सिक्रीट, ठीक है, इंडो मीन्स विद इन एंड क्राइन मीन्स सिक्रीट, ठीक है। तो इस ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सोक्राइन को देखा, इसमें आपकी डक्ट पाई जाती है, बट इंडोक्राइन ग्लैंड में आपकी डक्ट नहीं पाई जाती है। ऐसी ग्लैंड जो अपने सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर करती है, मीन्स उसको बनाती हैं और उसको डायरेक्ट ये आपका सिक्रीट करती हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, डायरेक्ट सिक्रीशन है ब्लड स्ट्रीम में। तो द सिक्रीशन कॉल्ड हार्मोन। तो इस तरीके का सिक्रीशन आपका जो डक्टलेस ग्लैंड मीन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। द हार्मोन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई विलियम बायलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग। विलियम बायलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी ग्रीक मीनिंग की हम लोग बात करें, हार्मोन मीन्स टू एक्साइट और सेट इन मोशन, ठीक है, ऐसा आपका प्रोडक्ट जो एक्साइट करने का काम करे या किसी चीज़ को मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करे, ठीक है, किसी वर्क को करने के लिए मोशन प्रोवाइड करे, तो वो आपका कहलाता है हार्मोन, ठीक। एंड हार्मोन कॉन्स्टिट्यूट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, ठीक है। तो जो ये आपकी डक्टलेस ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन है, ये आपका दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे ये अपने सिक्रीशन को, ठीक, मतलब जो भी पर्टिकुलर आपकी डक्टलेस ग्लैंड है वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में पोर कर देती है। और ये हार्मोन बहुत ही टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, इनका एक टारगेट सेल होती है जहाँ पे जाकर के ये अपने एक्शन को जो है शो करते हैं। तो और आपका हार्मोन बॉडी में किसी भी प्लेस पे सिक्रीट हो, बट उसका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो वहीं पे जाकर के एक्ट करेगा, मींस वाया ब्लड के जरिए वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। जबकि डक्ट जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें पर्टिकुलर किसी डक्ट से ही सिक्रीशन होता है। तो हार्मोन की हम बात करें तो हार्मोन आर मेनली एक्साइटेटरी, ये मेनली एक्साइटेटरी नेचर का होता है, जो कि आपके पर्टिकुलर किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन की बात करेंगे, तो ये पिट्यूटरी हार्मोन हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी से निकलते हैं और जाकर के हमारे कई सारे ऑर्गन्स के वर्क को स्टार्ट करेंगे, उनके वर्क को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी की बात करेंगे, तो पिट्यूटरी की पोजीशन लोकेटेड इन द ब्रेन जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है, जो भी हमारा ये ऑप्टिक कियाज्मा है इसके ठीक पीछे, एज एन एक्सटेंशन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ब्रेन में जब आप लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखेंगे तो ये जो हमारा डायनसिफ्लॉन होता है यहीं पर हमारा हाइपोथैलेमस होता है, तो हाइपोथैलेमस के ही फ्लोर पर, ठीक है, लोडेड इन डिप्रेशन, एक डिप्रेशन होगा, उसी डिप्रेशन में ये लोडेड है, उसी से इस तरीके से छोटी सी ये लटकी हुई है, ठीक है, ऊपर ये हमारा हाइपोथैलेमस वाला पोजीशन होता है, उसी से पिट्यूटरी हमारी इस तरीके से लटकी रहती है डिप्रेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेला ट्यूरिका, ठीक है, और हाइपोफाइसियल फोसा, इसको हम लोग हाइपोफाइसियल फोसा भी कहते हैं, ऑफ द स्फेनॉइड बोन, ठीक है। तो यही हमारी कान की कान के पास ही
ठीक, और हाइपोथैलेमस से, ठीक, यहाँ स्पिनॉइड बोन होती है, उसी स्पिनॉइड बोन से एक डिप्रेशन में ये लोडेड रहती है आपकी इन सेला ट्यूरिका और हाइपोफाइसियल फोसा में ऑफ स्पिनॉइड बोन। तो ये इसकी पोजीशन हो गई पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो दिस स्ट्रक्चर इन ड्यूअल इन ओरिजिन, ठीक है। ड्यूअल इन ओरिजिन का मतलब कि आपका जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट हैं, ठीक है। अगर पुराने ढंग से जो प्रीवियस इसका क्लासिफिकेशन करते थे तो हम लोग बोलते थे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे जो ये मैंने ये ब्लैक कलर से बनाया हुआ है दिस वन, ठीक है, जितना ब्लैक पोर्शन है दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ब्लू वाला आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये इस तरीके से दोनों पिट्यूटरी को सिचुएटेड होती थी, एक थोड़ा सा एंटीरियर और एक थोड़ा सा लिटिल बिट पोस्टीरियर, ठीक। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट आपका एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है। इसके दोनों पोर्शन में हम बात करेंगे, सबसे पहले पोर्शन को, नाउ इट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये जो जितना ब्लैक वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, इस तरीके से अगर ब्लू के बगल से आप एक लाइनिंग खींचें तो जितना आपका ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये, ठीक है, ये दिस वन, ये इट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस। द एडिनो हाइपोफाइसिस अराइज फ्रॉम द रूप ऑफ द बक्कल कैविटी, ठीक, आउटग्रोथ कॉल्ड जो है रैकिट्स पाउच, ठीक है, रैकिट्स पाउच। तो जब आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो एम्ब्रियो के ही डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, जो हमारी ये बक्कल कैविटी होती है, इसी बक्कल कैविटी के आउटग्रोथ से, ठीक है, इसी जो ये हमारी बक्कल कैविटी है यहाँ पे, इसी के आउटग्रोथ से आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसकी और इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो बक्कल कैविटी का आउटग्रोथ है इसको हम लोग रैथकीस पाउच बोलते हैं, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है आपका रैथकीस पाउच से, मीन्स बक्कल कैविटी के ही आउटग्रोथ से। फर्दर जो आपके जब एडल्ट होंगे, ठीक है, एडल्ट में जो है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस का जो है वो बक्कल कैविटी से पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स डिस्टेलिस एंड पार्ट्स ट्यूब्रेलिस। तो नाम से ही पता चल रहा है पार्ट्स इंटरमीडिया, इट मीन्स आपका ये एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस के बीच में जो आपकी लेयर, तो ये मैंने जो यहाँ पे ये डॉटेड डॉटेड करके दिखाई हुई है दिस लेयर इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरमीडिएट यानी बीच में है। दूसरा है आपका पार्स डिस्टेलिस, तो ये सबसे दूर का हिस्सा, ये दिस वन, ठीक है, ये जो पूरी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है ये पूरी है दिस वन, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी कहलाती है पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, मीन्स थोड़ा दूर का हिस्सा। और बात करें हम लोग, तीसरा पार्ट है आपका पार्स ट्यूब्रेलिस, तो ये ट्यूब नुमा, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में ये जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है दिस वन इट इज कॉल्ड पार्स ट्यूब्रेलिस, ठीक है, हम लोग इसको पार्स ट्यूब्रेलिस कहते हैं। और बात करें आपका पार्स ट्यूब्रेलिस से कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है। तो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस में दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, एक आपका क्रोमोफोब और दूसरा आपका क्रोमोफिल, ठीक है, तो जिनसे आपका इन दोनों सेल से, ये दोनों सेल आपकी एडिनो हाइपोफाइसिस में पाई जाएंगी, इन्हीं दोनों सेल से आपका हार्मोन का सिक्रीशन होता है। पार्स ट्यूब्रेलिस एक आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपकी ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व आपकी सेल होगी, ठीक है, ये सब यहीं से इंटर करेंगी अंदर, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ब्लू कलर से बनाया हुआ है दिस पोर्शन, ठीक है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में हम लोग देखें तो इट कंप्राइजेस इन्फेंडिबुलम और न्यूरल स्टाल्क, ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके पास होता है न्यूरल स्टाल्क और इन्फेंडिबुलम से ये अटैच होता है, मीन्स ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बाई इन्फेंडिबुलम और न्यूरल स्टाल्क, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्स नर्वोसा, ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है न्यूरो हाइपोफाइसिस का, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा और न्यूरल लोब भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस न्यूरल लोब कंसिस्टिंग ऑफ नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, ऐसी नर्व्स जिसमें आपकी माइलिन सीथ नहीं पाई जाती है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन सिक्रेटरी सपोर्टिंग सेल,
ठीक है, और जो भी यहाँ पे आपकी सेल्स पाई जाएंगी इन पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ठीक है, तो ये जितनी भी सेल आपकी हैं यहाँ पे वो नॉन सिक्रेटरी होती है, इनसे कोई भी सिक्रीशन नहीं होता है, ये आपकी केवल सपोर्टिंग नेचर की होती हैं, तो यहाँ की सेल्स आपकी केवल सपोर्टिंग नेचर की होंगी। तो हार्मोन की हम लोग बात करें तो आपका द हार्मोन आर फॉर्म्ड इन सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से दो न्यूक्लियाई देख रहे हैं, दिस वन दिस इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से ही आपका हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ठीक है, और आपकी ये दो जोड़ी नर्व के जरिए, ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं टू पेयर नर्व के जरिए ये हार्मोन जो है वो आपका पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस या हम लोग बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस में सेंड किया जाता है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक से भी और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से भी। तो इसका मतलब आपका हो गया कि जो मेन हार्मोन का सिक्रीशन है वो आपका हाइपोथैलेमस में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियाई आपके हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है। ये सिक्रीशन आपका जो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में, उसका सिक्रीशन हाइपोथैलेमस में होता है, केवल आपके ये हार्मोन यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं इन न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन में, ठीक है, जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस अपना ओन सिक्रीशन करता है, बट न्यूरोहाइपोफाइसिस में आपका जो है टू पेयर ऑफ नर्व के जरिए यहाँ पे आकर के इनका सिक्रीशन होता है। तो यहाँ की जो नर्व हैं वो मैंने आपको बताया नॉन माइलिनेटेड है और केवल मोटर नेचर की होती है, ठीक है, सेंसरी नहीं होती है, ये केवल मोटर नेचर की होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आपकी जो यहाँ पे नर्व पाई जा रही है इन न्यूरोहाइपोफाइसियल रीजन में, यहाँ की नर्व आपकी दोनों नेचर की हैं, सिक्रीटरी एंड जो है नर्वस फंक्शन की, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस की ओरिजिन की ओरिजिन को देखा तो ये आपके फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, डायनसेफ्लॉन का ही ये आउटग्रोथ है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये आपका हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टैल्क से जिसको हम लोग पिट्यूटरी स्टैल्क या इन्फेंडिबुलम बोलते हैं।